Hey guys, what's up? I'm Karan and welcome back to my channel. So guys, video के title हमने देख के आप समझेंगे video जो हमारी किस topic पे होने वाली है. So guys, video हमारी बहुत मस्त होने वाली है. तो guys, जल्दी से video को like कर दीजिए and guys, channel को अभी तक subscribe नहीं किया तो क्या कर रहे हो? जल्दी से channel को subscribe करो. Video बहुत मस्त होने वाली है. तो guys, video को बिल्कुल भी skip मत करना, इधर कुछ समझ नहीं आएगा. And guys, मैं आप सभी को बता दूं, जितने background PNG का use करूंगा इसमें मैं सभी का link आप सभी description box में मिल जाएगा. तो guys, video को देखने के बाद जाकर आप download कर लेना. तो guys, चलिए चलते video के अंदर. सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है कि इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है. एंड गाइस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो गाइस, वीडियो को देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना. ठीक है, सो चलते हैं हम ड्रॉ टूल के अंदर. एंड गाइस, मैं आप सभी को एक बात बता दूं, गाइस इस वीडियो में आप सभी को इस फोटो को एडिट करने में बिल्कुल भी मतलब हार्ड नहीं है, एडिटिंग बहुत ईजी है. थंबनेल देख के आपको गाइस लगा होगा कि हार्ड है, बट गाइस बिल्कुल भी हार्ड नहीं, बहुत ईजी है. तो गाइस, ये आप सभी को ये लेना है. ठीक है, ये वाला PNG. एंड गाइस, सारा खेल इस PNG का है. ठीक है, इसमें ना आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है गाइस. एंड गाइस, ये PNG मैंने इसलिए बनाया क्योंकि यार हम ये ड्रेस कहाँ से लाएंगे. तो गाइस, इसलिए मैंने ये PNG बना लिया है. तो गाइस, इसमें हमारे ज्यादा खर्चा भी ना बैठे कुछ, तो इसलिए मैंने PNG बना लिया. ठीक है, सो गाइस, ये हम एम्बेडेड लेयर बनाएंगे. ठीक है, एम्बेडेड लेयर बनाने के बाद गाइस जाएंगे ऐड फोटो में. ठीक है, एंड गाइस, उसके बाद मैं पहले अपने मॉडल का ले लेता हूँ. ठीक है, मॉडल को ले लेता हूँ. एंड गाइस, इसमें आप सभी कुछ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप कहीं भी सिंपली एक फोटो क्लिक कर सकते हो. एंड गाइस, आपके फेस तक आ जाए, आप इतनी फोटो क्लिक कर सकते हो. सो गाइस, आप सभी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है. एंड गाइस, बैकग्राउंड का इरेज करना नहीं आता. तो गाइस, मैं आप सभी को बता दूं, इसका बैकग्राउंड इरेज की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है. तो गाइस, आप जाके सिंपली वीडियो को देखना एंड बैकग्राउंड को इरेज कर ले. इसको यहाँ पे ले आऊं गाइस. तो गाइस, आप सभी को करना क्या गाइस, ठीक है, तो मैं गाइस पहले लेयर में जाता हूँ. ठीक है, पहले मैं इसको सिंपली मैंने इस तरीके से मैं इसको साइज को अपने पहले एडजस्ट कर लेता हूँ. ठीक है, सो मैंने सिंपली इसको गाइस एडजस्ट कर लिया. एंड गाइस, इसके बाद लेयर में जाऊंगा. एंड गाइस, जो हमारे फेस वाला उसके लेयर को मैं नीचे लेकर आऊंगा. तो गाइस देखिए, ये हमारा मैच हो चुका है. तो गाइस, ये हमारा फेस थोड़ा ज्यादा बड़ा दिख रहा है, तो गाइस मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा. ठीक है, सो गाइस, आपको इसमें सारा मतलब थोड़ा टाइम लगाना गाइस, अपन वो अपने फेस को ना एकदम परफेक्टली फिक्स करना गाइस. ठीक है, यहाँ पे तो गाइस मैं ये गाइस मैंने फेस को फिक्स कर लिया है. तो गाइस, अब क्या करना है गाइस, हमें जाना है लेयर बनानी है. ठीक है, एम्प्टी लेयर बनानी है, लेयर में जाके एंड गाइस ऐड फोटो में जाना है. ठीक है, एंड ये वाली PNG लेनी है गाइस. ठीक है, आपको ये वाली PNG जो गाइस ये की आपकी इसके मकड़ी बोल मतलब गाइस इसके जो डंडे हैं वो कह सकते हैं गाइस, है ना. तो गाइस, मैं इसको पहले साइज बड़ा कर लेता हूँ. ठीक है, एंड मैं सिंपली साइड में टैप करता हूँ. एंड गाइस, जाते हैं लेयर में. एंड गाइस, क्यों भी हमें अपने इसके नीचे लेकर आना है इस वाली लेयर को. ठीक है, सो टैप कर ले. एंड गाइस, दोबारा से क्या करना है गाइस, आपको एक लेयर और बनानी है. ठीक है, एंड ऐड फोटो में जाना है. ठीक है, एंड गाइस ये वाले और लेना है. ठीक है, इसको लेने के बाद गाइस आप सभी को सिंपली डन करना है. ठीक है, एंड इस वाली PNG को गाइस आपको इस तरीके से ऐसे जूम करके ऐसे लगाना है. ठीक है, मैं इसको पहले ऐसे करके फिक्स कर लेता हूँ गाइस. ठीक है, एंड ऐसे लगा लेना है. ठीक है, सो गाइस ये लग गए. ठीक है, एंड उसके बाद गाइस आप सभी को करना क्या है, अब जाना है गाइस इम्पटी मतलब लेयर में जाना है और इम्पटी लेयर बनानी है. ठीक है, एंड ऐड फोटो में जाएगा गाइस आप सभी को एक टेक्स्ट PNG है गाइस, इसको लेना है. ठीक है, ये मैं PNG को ले लेता हूँ. ठीक है, एंड सिंपली आप सभी को यहाँ पर डन कर देना है. एंड गाइस, उसके बाद आप सभी को सिंपली इस तरीके से यहाँ पर लगा देना है. ठीक है, यहाँ पर हम लगा लेते हैं. सो गाइस, हम सिंपली टैप करेंगे साइड में. एंड गाइस, उसके बाद गाइस अब हमारा एक काम रह गया है. पहले हम गाइस लेयर में जाके एक लेयर बनाएंगे, इम्पटी लेयर बनाएंगे. ठीक है, एक और. एंड उसके बाद गाइस हम ब्रश को सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, एंड साइज को 100 रखेंगे, ओपेसिटी को थोड़ी सी कम रखेंगे. एंड गाइस, सिंपली हम दो तीन बार ऐसे लाइन करेंगे यहाँ पे. ठीक है, इस तरीके से. एंड जाएंगे लेयर में, एंड जाएंगे ट्रांसफॉर्म में. ठीक है, एंड इसके साइज को हम बहुत काफ़ी बड़ा करेंगे ताकि गाइस जितने कि यहाँ पे हमें ब्लैक ब्लैक मिल जाए इस तरीके से गाइस. ठीक है, ऐसे इस तरीके से लेंगे ताकि गाइस हमारे नीचे की तरफ में ब्लैक ब्लैक हो जाए हमारे टेक्स्ट के पास. ठीक है, सो यहाँ पे कर लिया हमने गाइस. ठीक है, एंड गाइस को हम कॉपी करेंगे गाइस तीन बार ताकि गाइस ये डार्क हो जाए यहाँ पे. ठीक है गाइस, डार्क हो जाए. एंड गाइस, इन सबको हम कर लेंगे मर्च. ठीक है, एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे. एंड गाइस को हम थोड़ा सा नीचे लेकर आएंगे. ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ऊपर हो गया तो गाइस हम थोड़ा सा ऊपर लेकर आएंगे. ठीक है, एंड करेंगे डन. एंड गाइस, हम इस वाली लेयर को हम लाएंगे अपने टेक्स्ट के नीचे इस तरीके से. ठीक है, सो हमें इसको लिया है. एंड गाइस, उसके बाद हम इस फोटो करेंगे सेव सिंपली. एंड गाइस, ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं पहले गाइस. हम इसको अपने टेक्स्ट के PNG को थोड़ा छोटा कर लेते हैं गाइस, क्योंकि ये ज़्यादा काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. ठीक है, सो गाइस ये भी हमारा हो गया है. ठीक है, सो हमने टेक्स्ट भी लगा लिया. एंड गाइस, इसको करेंगे हम डन. एंड इसके बाद गाइस हम फोटो को सेव करेंगे. एंड गाइस, कलर करेक्शन करेंगे लाइट रूम ऐप के अंदर. तो गाइस चलिए चलते हैं लाइट रूम ऐप के अंदर. सो गाइस, अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया यार, वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, क्योंकि यार आप सभी के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार. और ये आज दिन की दूसरी वीडियो तैयार है, मैं आप सभी के लिए काफी मेहनत करता रहता हूँ. तो गाइस यार, वीडियो को लाइक जरूर करना है. एंड गाइस, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया यार, वो भी कर ही देना यार, क्योंकि यार हमारे सब्सक्राइबर काफी कम है. तो गाइस, सब्सक्राइब करना आपका बहुत जरूरी है. तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना. ठीक है, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेना. ठीक है, सो मैं गाइस फोटो को ले आया हूँ. ठीक है, एंड इसको मैं फोटो को यहाँ पे सिंपली ओपन करता हूँ. ठीक है, एंड इसके बाद चलते हैं हम कलर्स में. कलर्स में जाने के बाद गाइस हाईलाइट्स को हम बढ़ा लेंगे. ठीक है, एंड शेडो को कम करेंगे.
ठीक है, एंड व्हाइट को बढ़ा लेंगे एंड ब्लैक को करेंगे कम हमेशा की तरह, ठीक है गाइस। सो एंड गाइस जाएंगे हम थोड़ा मतलब इसको छोड़ देते हैं गाइस कॉन्ट्रास्ट को एंड वाई एक्सपोजर को कम करते थोड़ा एंड चलते हैं गाइस कलर्स में, ठीक है। एंड इसको हम वाइब्रेशन को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को कम करेंगे, टिंट को बढ़ा देंगे एंड सैचुरेशन को थोड़ा सा कम करेंगे। एंड गाइस जाएंगे कलर्स में एंड इसके बाद मिक्स में जाएंगे, रेड कलर की ह्यू को बढ़ाएंगे एंड इसके सैचुरेशन भी थोड़ा बढ़ा देंगे। एंड गाइस जाएंगे ऑरेंज कलर में, ल्यूमिनस को बढ़ाएंगे, ठीक है थोड़ा सा। एंड गाइस सैचुरेशन को थोड़ा सा डाउन करेंगे, ठीक है। एंड लेंगे ब्लू कलर, एंड गाइस इसके ह्यू को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड सेकंड ब्लू लेंगे, इसके भी ह्यू को हम थोड़ा छेड़ेंगे ताकि गाइस थोड़ा डार्क ब्लू हो जाए, तो करेंगे डन। एंड जाएंगे इस वाले नीचे वाले टूल्स में, क्लियरिटी को बढ़ाएंगे, डस्ट को कम करेंगे, विग्नेट को हम करें बढ़ाएंगे ताकि गाइस हमारे फोटो में ब्लैक ब्लैक आ जाए। एंड मिड पॉइंट को बढ़ाएंगे एंड फेदर को कर दें बिल्कुल 100, ठीक है। एंड ग्रिड पॉइंट को बढ़ा देंगे। एंड गाइस को जाएंगे नीचे वाले टूल में, शार्प करेंगे फोटो को, कलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ाएंगे एंड कलर नॉइज रिडक्शन को भी बढ़ा देंगे। सो गाइस हमारी फोटो एडिट हो चुकी है, आई होप कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड गाइस अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया था क्या कर रहे, जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड गाइस मैं आप सभी के लिए ऐसे अमेजिंग अमेजिंग वीडियो लाता रहता हूं यार, इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग जरूर करे करना यार अगर आप फोटो एडिट करते हो तो। एंड गाइस हमारा हैशटैग को आप अगर यूज नहीं करते यार, हैशटैग आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा EDITZ MK। एंड गाइस इस हैशटैग को यूज करना। एंड गाइस मैं काफी में इसके जो भी फोटोज आती है उसको लाइक करता हूं, एंड गाइस अपनी स्टोरी पे मेंशन भी करता हूं, तो गाइस टैग हमारा यूज जरूर करना। एंड गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।